आप में बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं, अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इस ट्रेन में सवार सारे जो भी पैसेंजर्स हैं वो हमारे भरोसे एक इनिशियल स्टेज से एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने जा रहे हैं। मैम अभी यहाँ से लेके कहाँ तक आप अपना ट्रेन लेके जाएंगी और इस दौरान क्या क्या कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा आपका? सर हम प्रयागराज जंक्शन से निकलेंगे और हम कानपुर सेंट्रल पे जाएंगे। और उस बीच में स्टॉपेज कहाँ कहाँ होंगे? सर फतेहपुर में मिलेगा इसका स्टॉपेज। तो आपको कैसा लग रहा है कि इस तरीके से अभी तो सिर्फ छोटी डिस्टेंस पे आपको लेके जा रहे हैं लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रेन ले जाने की इच्छुक हैं? जी सर हमें इच्छुक है, दूरी कम हो या ज़्यादा वो मायने रखते हैं, हम अपने काम के प्रति कितना सतर्क हैं और कितने जागरूक रूप से उसको करते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है, मैं कालका एक्सप्रेस में एज असिस्टेंट लोको पायलट जा रही हूँ। मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आज हम जो काम लड़के करते थे आज वो काम हम कर रहे हैं और हमारे पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसे हमें बहुत बखूबी निभाना है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं, तो फिर हमें काफ़ी प्राउड फील होता है ये काम करते हुए। सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये गाड़ी आज प्रयागराज मंडल में 23/11 नेताजी एक्सप्रेस को हमारी महिला स्टाफ द्वारा मैन किया गया है। इसमें इंजन पे हमारी लोको पायलट में मोनिका गावंडे और शालिनी मिश्रा जी ने गाड़ी का संचालन किया है और गार्ड के रूप में स्नेहलता जी ने इसमें अपना कारोबार संभाला। ये लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? ये लोग आज प्रयागराज से कानपुर तक का इस गाड़ी का सफर पूरा करेंगे। आगे इस इनसे महिलाओं से और आगे की लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की कोई बात सामने आए? देखिए महिलाएं पूरी तरह से सशक्त हैं और वो हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे रही हैं, चाहे वो ट्रेन संचालन हो या रेल सुरक्षा बल स्टाफ हो हमारा या हमारा चेकिंग स्टाफ हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरी शक्ति के साथ काम कर रही हैं और निश्चय ही जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इनसे वो काम कराया जाएगा। थैंक यू सर। अरे सौरभ यार ना करिया हुआ है।